आप किसको मानते हो, और दूसरी बात आप किसका मानते हो, और तीसरी बात आप कितना मानते हो। बराबर कान खोल के सुन लेना, हमारा जीवन कहां पहुंचेगा, हमें मंजिल प्राप्त होगी या नहीं होगी, हम जीवन में किस कक्षा तक पहुंच पाएंगे, हम जीवन में किस अवस्था तक पहुंच पाएंगे, ये तीन बातें निर्धारित करती है। आप किसको मानते हो? आप उसको मानते हो जो तीर गए? आप उसको मानते हो जो विश्व में सभी की जीवों के कल्याण के भाव रखते हैं? आप उसको मानते हो? पहला सवाल खुद से, अपने आप से, हम किसको मानते हैं? मंदिर में जाकर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ लेने से यह साबित नहीं हो जाता कि आप परमात्मा को मानते हो। मंदिर में जाना सरल है, शरीर से कोई भी इंसान मंदिर में जा सकता है, दुर्जन हो तो भी जा सकता है, दुर्गुणी हो तो भी जा सकता है, गंदा से गंदा इंसान हो, उसके मन में गंदगी भरी पड़ी हो, फिर भी मंदिर में जा सकता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जीवन में ये तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, और पहला सवाल यह है कि आप किसको मानते हो, किसको मानते हो, अर्थात आपकी श्रद्धा कहां झुकी हुई है, आपका अहोभाव कहां पे है। मस्तक झुके वो महत्वपूर्ण नहीं है, मन झुके वो महत्वपूर्ण है। मस्तक तो कहीं पे भी झुक जाता है, और एक चीज समझना, मस्तक तो जबरदस्ती झुकाया जा सकता है। मस्तक को झुकाने के लिए कोई जबरदस्ती कर दे आपका मस्तक झुक जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन को झुकाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि जीवन में बराबर समझ लेना आप किसको मानते हो, आपकी मान्यता कहां पर है। वो अरिहंत परमात्मा को हम क्या सही श्रद्धा से, सच्चे अहोभाव से मानते हैं? हमारे भीतर में यह श्रद्धा है कि परमात्मा ने जो मार्ग बताया है वो सही है, यह श्रद्धा आपके भीतर में जागृत हुई या नहीं हुई? हमारे यहां लिखा गया, श्रद्धा परम दुर्लभ, हमारे यहां सूत्र दिखा गया, श्रद्धा परम दुर्लभ, कहा कि संसार में दुर्लभ क्या है, कहा श्रद्धा दुर्लभ है। मंदिर जाना दुर्लभ नहीं है, चैत्य वंदन कर लेना दुर्लभ नहीं है, परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा कर लेना दुर्लभ नहीं है, परमात्मा के लिए सोने की थाली लेकर पूजा करने चले जाना ये एक दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या है, कहा कि वह परमात्मा के सामने झाकर के हमारा मात्र मस्तक न झुके, हमारा मन झुक जाए, ये दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ, किसको मानते हो आप, किसका मानते हो, दूसरा सवाल। परमात्मा तो चले गए, हमारे बीच में नहीं है। परमात्मा के प्रति हम बहुत से बहुत श्रद्धा का भाव पैदा कर सकते, बहुत से बहुत भक्ति का भाव पैदा कर सकते, बहुत से बहुत अहोभाव का भाव पैदा कर सकते, उससे ज्यादा क्या कर सकते। इसलिए दूसरी बात लिखी गई, किसका मानते हो, ये जीवन में, ये लाइफ में, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आप किसका मानने के लिए तैयार हो, किसका मान के आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। बहुत गहरा सवाल हमारे सामने है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में, यदि आपके जीवन में एक इंसान आप मुझे ऐसा बता दो जिसकी 100% आज्ञा आपने मानी है, गुरु के स्थान पर ऐसा इंसान हो सकता है, माता पिता के स्थान पर ऐसा इंसान हो सकता है, उपकारी के स्थान पर ऐसा इंसान हो सकता है, घर के कौटुंबिक मेंबर के, फैमिली मेंबर के स्थान पर ऐसा इंसान हो सकता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप किसकी मानते हो, किसकी मानकर आपका जीवन आगे बढ़ रहा है? कभी बैठकर सोचा आपने, मैं 100% किसकी आज्ञा में हूं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2600 साल से ये साधु परंपरा, ये श्रवणी परंपरा, ये श्रवण परंपरा बची हुई है, उसका रीजन एक ही है, हमारा मन चाहे कुछ भी कहता हो लेकिन गुरु की आज्ञा के मुताबिक हमारा जीवन चलता है। और यह भी समझ लेना, जिसका जीवन गुरु की आज्ञा के मुताबिक नहीं चलता, वो वेश से भले साधु हो जाए लेकिन भीतर से साधु नहीं बन सकता।
भीतर से वो प्रोग्रेसिव नहीं बन सकता, भीतर से वो प्रगति नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे यहां लिखा गया कि तुझे साधुता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तुझे कुछ पाना है, तुझे सिद्धि तक स्थान प्राप्त करना है, सिद्धि हासिल करनी है, तो रास्ता एक ही है, गुरु की आज्ञा के मुताबिक चलो। मैं आपको भी यही कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लेना। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ हासिल करना है, आपको ये मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, आपको ये मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, आपके जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसकी 100% आज्ञा में आप। उसने कह दिया दिन तो दिन, उसने कह दिया रात तो रात। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीवन में एक एड्रेस ऐसा बना लेना जहां 100% सरेंडर हो, जिसकी हम बात 100% मानते हो, जहां हमारा बीच में मन न आता। आप उसी की बात 100% मान सकते हो जहां बीच में आपका मन ना आता हो। ये बुद्धि बड़ी खतरनाक है। ये समर्पित होने से आपको रोकती है, ये सरेंडर होने से आपको रोकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लेना, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। आप किसको मानते हो, आप किसका मानते हो, और तीसरा सवाल, आप कितना मानते हो। शायद गुरु बना भी लिए, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कितना प्रतिशत, कितना परसेंट हम करते हैं। कौन सी आज्ञा का पालन करते हैं, जिसमें हमारा मन राजी हो वही आज्ञा का पालन करते हैं, जिसमें हमारा मन तैयार हो वही आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसकी बातें सुनते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।